हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए गुरुद्वारे में मिलने वाले कड़ा प्रसाद या फिर आटे के हलवे की बहुत ही इजी और परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे कि आप पहली बार में ही परफेक्ट आटे का हलवा बना के तैयार कर लेंगे। इसके सारे टिप्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो चलिए आटे का हलवा बनाना शुरू करते हैं। आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को मेज़र करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए कोई भी आप एक कप ले लें या फिर एक बाउल ले लें और उससे आटा मेज़र करें, और इस तरह से कप में आटे को फिल करने के बाद हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करके इसे हम लेवल कर लेंगे। यहाँ मैंने रेगुलर आटे का यूज़ किया है, जिसका हम रोटी या चपाती बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पर आमतौर पर थोड़े से मोटे आटे का हलवा गुरुद्वारे में बनाया जाता है, तो अगर आपको मोटा आटा मिले तो आप वो ले लें। तो यहाँ मैंने आधा कप आटा लिया है। अब इसी के अनुसार हम बाकी के इन्ग्रीडियंट्स मेज़र कर लेंगे। अब एक गरम कढ़ाई में हम आधा कप ही घी लेंगे, तो जितना हमें आटा लेना है उतना ही हमें घी लेना है। जैसे ही घी हमारा हल्का सा गर्म होता है, इसमें हम आटा ऐड कर देंगे। तो आटे का हलवा बनाने में ज़्यादा घी की ज़रूरत होती है, तो आटे और घी का रेशियो आपको 1:1 रखना है। तो हलवा बनाने में किसी भी तरह का आप हलवा तैयार करते हैं तो उसमें रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और आटे को हमें घी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आटे का हलवा बनाते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आटे को अच्छी तरह से भून के तैयार करना। तो अगर आप आटे को अच्छी तरह से भून के तैयार करेंगे तो हलवा भी आपका बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे कंटिन्यूअस चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून के तैयार करना है, या फिर जब तक आटे से बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे हमें तब तक भून के तैयार करना है। तो आटे को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर अब चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का सा ग्रेनी होने लगा है। तो इसी तरह से हमें कंटिन्यूअस चलाते हुए इसे भूनना है, क्योंकि आटा बहुत ही जल्दी तले में लगने लगता है। तो आटे को भूनते हुए मुझे 12 से 13 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया है और इसका टेक्सचर भी ग्रेनी होके बिल्कुल सैंड जैसा हो गया है। तो बस हमें यही कलर और टेक्सचर चाहिए। तो आटा हमारा परफेक्ट भून के तैयार हुआ है। तो बस आटे को भूनते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पर अगर आपका आटा अच्छी तरह से भून के तैयार होगा तो हलवा भी आपका बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो अब इस स्टेज पर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, तो जितना हमने आटा लिया है उसका डबल हमें पानी ऐड करना है। और पानी डालते ही इंस्टेंटली हमें इसे इस तरह से मिक्स कर देना है, जिससे कि इसमें लम्स फॉर्म नहीं हो। वैसे भी हमने आटे को बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार किया है, तो इसमें कोई लम्स फॉर्म नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं आटा ने कितनी जल्दी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे पता चलता है कि आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह भून के तैयार हुआ था। और अब इस स्टेज पर इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप आटा और घी लिया है, तो आधा कप ही हम शुगर ऐड करेंगे। तो अगर आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी कम या ज़्यादा ले सकते हैं, पर परफेक्ट रेशियो बनाने के लिए आपको आटा घी और चीनी का रेशियो 1:1:1 रखना है। तो इसे आप याद कर लें तो आपका आटे का हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और जितना हम आटा लेते हैं उसका डबल हम पानी लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूअस चलाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और आप देख रहे हैं कि चीनी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से डिसॉल्व होके हलवे में मिक्स हो गया है। तो इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के ऐड कर सकते हैं, पर नॉर्मली जो गुरुद्वारे में प्रसाद के लिए बनाया जाता है उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, बस प्योर घी का फ्लेवर रहता है। तो बस आटा का हलवा हमारा बन के तैयार है, और अब आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल ग्रेनी और दानेदार बन के तैयार हुआ है, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अमेजिंग आ रही है, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अब इसे हम सर्व करने के लिए एक प्लेट पर निकाल लेंगे।
तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे ईजली अवेलेबल हैं। तो जब भी आपको प्रसाद के लिए कुछ मीठा बनाना हो या फिर ऐसे भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस इजी और हेल्दी सी आटे के हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप आज की ये आटे के हलवे की रेसिपी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।